एकता की सभी बड़े और सामने बैठे हमारे किसान भाइयों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हम एक खेती किसानी के किसान होने के नाते मैं कोई नीतियों पे बात नहीं करूंगा, मैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करूंगा। जैसा आंदोलन चल रहा है, अभी हम आए तो आंदोलन चल रहा है, जैसा देश में माहौल बना हुआ है, इसमें आपको एक स्पष्टीकरण के रूप में कुछ बातें बताऊँगा बड़े निजी अनुभव अपने। आप विश्वास नहीं करेंगे, गोला चीनी मिल में पहले चीनी दी जाती, एक छोटी सी निवेदन पे हम लोगों ने छोटी सी एप्लीकेशन डाल करके छोटी से भेज दी हर जगह, उसमें बड़ी कार्रवाई करके और पेमेंट के लिए इनको दबाव बनाया। इसके अलावा आपको बताएं, हमारे गोला जो चीनी गन्ने में कमिश्नर साहब, हमारे देश में केवल चीनी बनती है, ये केवल कमिश्नर जब आए तो मेरे दिमाग में आया कमिश्नर साहब को ये बताया जाए कि आप एथेनॉल बनवाइए और एथेनॉल बनवा करके विदेशों से जो पेट्रोलियम आता है उसमें मिक्स करवाइए और एथेनॉल बना जब बनेगा तो धीरे धीरे किसानों की समस्या का निदान होगा। आप विश्वास नहीं करेंगे, कमिश्नर साहब की छोटी सी मीटिंग में गया था और उन्होंने आज पहले 3 फैक्ट्री थी पूरे देश प्रदेश में, आज 25 फैक्ट्रियाँ उन्होंने एथेनॉल की लगवा दी। आपको बताएं, मेरे मन में आया कि जो ये गन्ना किसान बोते हैं तो ये शुगर केन सेट बोया जाता है, टुकड़े बोते हैं, तो कम से कम एक ट्राली हम गन्ना जमीन में डाल देते हैं। तो हमने कमिश्नर साहब से निवेदन किया कि महोदय, इतनी चीनी जमीन में डाल दी जाती है, आप कृपया पौधे उपलब्ध करवाएं। आप विश्वास नहीं मानेंगे, आज वो पौधे उपलब्ध होने लगे। मतलब एक, मैं तो कोई पार्टी का भी कार्यकर्ता नहीं था, मैं केवल एक सामान्य मीटिंग में उनको सुझाव देता रहा। घटतौली पे हमने उनको 3 सुझाव दिए थे और देने के बाद अगले दिन आया तो पता चला उनने आदेश निकाल दिया। गेट पे कभी भी ये चीनी मिल वाले कभी मैनुअल वेब्रिज लगा रखते हैं, कभी वो काटा वो वाला नहीं चलाते थे, केवल जो कंप्यूटराइज काटा वही चलाते थे। तो हमने कहा इनका जो मैनुअल काटा है वो आप सही करवा दीजिए और जो डाक जाती है गन्ना सेंटर से वो 5 बजे जाए, प्रतिदिन आप रिपोर्ट ले लीजिए, और इसके अलावा जो कांटा बाबू हैं उनका आप लाटरी से करवा दीजिए ट्रांसफ़र। आप विश्वास नहीं मानेंगे, दूसरे दिन आदेश आ गया, हमारे कई मित्र थे, DCO थे, SDI, उन्होंने बताया कि आपकी बात पर उन्होंने अगले ही दिन एक्शन ले लिया। ऐसे मैं आपको कम से कम 10 उदाहरण कि आप ये विश्वास करिए कि आपने कभी सोचा था कि गन्ना समिति में पर्ची निकलेगी। जब गन्ना समिति से पर्ची निकलवाने की कोई बात करता था तो हमारे गन्ना के प्रतिनिधि कहते थे अरे यहाँ तो कंप्यूटर सब वोट रहे किसान, आज आप बताइए क्या पर्ची निकल रही कि नहीं समिति से। ऐसे ऐसे निर्णय, जब ये निर्णय लिया कमिश्नर ने कि हम समितियों से पर्ची निकलवाएंगे तो अपने ही लोग विरोध में आ गए, बोले अरे ये सरकार के पागल हो गई, कोई नहीं कर पाया, तुम करोगे। आप ये मानिए कि ऐसे निर्णय लेकर के और गन्ने में एक ऐसा परिवर्तन लाया गया है आज की डेट में। ये तो मान लीजिए कोरोना महामारी के कारण पूरे विश्व में सभी धंधे बंद हो गए, ऐसा कोई धंधा जो प्रभावित नहीं हुआ हो, केवल गन्ने की फैक्ट्रियां चलती रहे, इसको आप मानिए एक बड़ा अचीवमेंट है। कोरोना में भी गन्ने की फैक्ट्रियां चलती रहीं, पेमेंट बराबर होता रहा कुछ एक को छोड़ करके। और आपको उसका भी बता दूंगा, एक हमारे यहाँ जब चीनी मिल गोला बनी थी, गोला के बाद फिर पूरे देश पूरे प्रदेश में 25-25 चीनी मिलें खड़ी कर दी थी। उस समय कौन था आप जानते हैं, किस मुख्यमंत्री ने वो निर्णय लिया था कि 25 फैक्ट्री एक फैक्ट्री को लाइसेंस दिया, तब वो शुगर केन ये तो औद्योगिक विस्तार नीति के तहत उन्होंने चीनी मिलों को पैसा दे दिया और फैला दी। अब क्या हुआ, अगली जो सरकार आई उन्होंने वो जो फैसिलिटी खत्म कर दी, तो जब वो फैसिलिटी खत्म कर दी तभी सभी चीनी मिलें कंगाल हो गई। उन्होंने पेमेंट, जब भाई एक चीनी मिल से आप 25 चीनी मिल खड़ी करवा दोगे तो वो चीनी मिल पेमेंट किसानों का कैसे कर पाएगी। रेट प्राइस का जो प्राइस में जो डिफिकल्टी आई वहीं पर से आई गन्ना मूल्य में, और वो चूंकि कुछ चीनी मिलों ने उसका बहुत ज़्यादा अंधाधुंध विस्तार कर दिया तो वो फंस गए, वो अब भी नहीं कर पा रहे। लेकिन आप विश्वास रखिए कि जितना इस बार पेमेंट हुआ, जितनी पिराई हुई, ये रिकॉर्ड पिराई हुआ पेमेंट हुआ। आप मानिए इस कोरोना में भी चीनी मिलों ने जो एथेनॉल दिया है, जो सैनिटाइजर बनाया है, ये पूरे विश्व के लिए उदाहरण है। एथेनॉल से सैनिटाइजर से कितना ज़्यादा फायदा हुआ, हम कोरोना से लड़ पाए। तो हम बहुत ज़्यादा भाई साहब, इससे ज़्यादा मेरे अपने अनुभव हैं, मैं ये बता रहा हूँ। मैं कोई पार्टी की नीति की बात अगर आप देखें
तो आप मेरे अपने अनुभव है जो मैंने गन्ने में काम किया और जो मैं पाया कि कितनी संवेदनशील सरकार एक छोटे से कार्यकर्ता की बात को इतनी गंभीरता से लेकर उसके बावजूद जब ये देश में हल्ला मच रहा है तो मेरी समझ से परे है कि हल्ला करने वाले कौन हैं, वो क्यों कर रहे हैं। ये जो तीन एक्ट लाए गए हैं, ये तीन नियम जो लाए गए हैं कृषि कानून में, इनकी बहुत पहले से मांग चल रही थी, 20 साल से मांग चल रही थी कि स्टोर करने की फैसिलिटी हमें दे दी जाए, हमें मंडियों में छूट दे दी जाए चाहे जहां हम अपना माल बेचें। और ये जो पूरे आप विश्व में कोई भी कृषि का विशेषज्ञ आप उसे पूछोगे तो कहेगा कि प्रोसेसिंग का महत्व हो, उत्पादन में प्रोसेसिंग का महत्व हो, प्रोसेसिंग और स्टोरेज से ही किसानों की आय की वृद्धि हो सकती है। और वही वास्तव में वही सरकार ने किया कि आपको स्टोरेज की छूट दी, आपको चाहे जहां बेच सकते हैं माल उसकी छूट दी, सभी छूटे दी आपको। और उस छूट पाने के बावजूद भी इतना देश में हल्ला मचा है तो ये समझ से परे है, ये किसी साजिश का हिस्सा लगता है। ये मुझे लगता है किसानों की जो आय दुगनी करने के लिए जो कड़े कदम उठाए गए हैं वो तो राष्ट्र को मजबूत करने के लिए जो कड़े कदम उठाए गए हैं वो तो भाई साहब बात करेंगे, लेकिन मैं केवल किसान की बात कर रहा हूँ। इतने कड़े कदम पिछले में कोई उठा नहीं सकता था। ये केवल अपने प्रधानमंत्री मोदी जी की हिम्मत थी कि उन्होंने इतने कड़े फैसले लेकर के और आप लोगों के लिए द्वार खोल दिया कि अब आप लोग अपनी आय को दुगना कर सकते हैं। हम उनके लिए जोरदार तालियां बजा करके आप स्वागत करें, धन्यवाद। बस मेरी बात समाप्त। आदरणीय श्री विनीत सिंह जी द्वारा जो क्रांति